प्रशासन ने समय नहीं दिया बिल्कुल भी। हम योगी से यूं पूछ रहे हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। ये रोते बिलखते वो लोग हैं जिनके सिर से उनकी छत छिन गई। इधर घर टूटते रहे, उधर उनका हौसला दिल टूटता रहा और फूट फूट कर रोते रहे। बस बहुत मिन्नते की, कुछ मोहलतें मांगी, लेकिन कुछ ना मिला। भैया हम जहाँ पे हमारी 5 पीढ़ी हो गई, कम से कम 5 पीढ़ी, हमें कम से कम 150-200 साल हो गए होंगे यहाँ रहते रहते। उससे पहले ना पता चली होगी कोई वहाँ बैठ है, हमारे कागज नहीं देखे, हमारा कुछ नहीं देखा। तो इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, हमें मौका नहीं दिया बात करने का एक भी। अरे हमारा राम प्रसाद मेरे बाबा का नाम है, महेंद्र मेरे पिताजी का नाम है, हमारे पर बाबा का नाम है, शंकर जी रहते थे। हाँ शंकर गिर के, शंकर गिर राम प्रसाद महेंद्र सुरेंद्र, 5-7 पीढ़ी हो गई हमारी जब से पता नहीं चली। यो अभी सो रहा था योगी। अब कितने लोग रह रहे थे? 20 लोगों का परिवार है हमारा, 20 की 20 हमारी वोट बीजेपी को गई थी। अब इसके अलावा आपका कोई मकान नहीं है? कुछ नहीं है, मकान छोड़ दो कमरिया छोटी सी, दो कमरिया, 20-30 आदमी कहाँ जाएंगे? अब आप योगी जी तक अपनी क्या बात पहुँचाना चाहेंगे, जरा बताए। हमें योगी यूँ बता दे, हम बैठे कहाँ हैं? हम योगी से यूँ पूछ रहे हम कहाँ जा रहे हैं। चीख चीख कर ये लोग सीएम योगी से इंसाफ मांग रहे हैं। रो रो कर कह रहे हैं हमने तो योगी को वोट दिया और वो हमें ये चोट दे रहे हैं। दरअसल हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर योगी का बुलडोजर चला तो ये आह निकल गई। कहते हैं कि अपनी 5 पीढ़ियों से इस मकान में रह रहे हैं, अब कहां जाएं? प्रशासन ने समय नहीं दिया बिल्कुल भी। जोड़ा बटोरा गृहस्थी का सारा सामान रोड पर आ गया। प्रशासन के मुताबिक ये अवैध कब्जे हैं। ऐसे में अवैध रूप से बने कमरों और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें मोहलत नहीं मिली, जबकि एसडीएम कहते हैं कि नोटिस दी गई थी, कई लोगों ने जगह खाली कर दी तो कईयों ने नहीं की तो कार्रवाई की गई। गढ़मुक्तेश्वर में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, महाभारतकालीन मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर। इस शिव मंदिर के परिसर में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए दुकानें बना ली गई थी और परिसर को कब्जा करके ट्रैक्टर, ईको, कुछ अन्य वस्तुओं को रख करके कब्जा किया हुआ था। इनको नगर पालिका द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी कि आप अपना सामान हटा लीजिए। इनके द्वारा, कुछ लोगों द्वारा सामान हटाया गया, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाया गया। आज जब ड्राइव शुरू हो गई तो उन लोगों ने भी अपना सामान हटा लिया और शांतिपूर्ण तरीके से ये ड्राइव संपन्न हुई है और अवैध अतिक्रमण को यहाँ से हटा करके मंदिर परिसर को अवैध अतिक्रमण से मुक्त रखा गया। योगी सरकार को गुंडे और माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अपने एक संबोधन के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा और अगर किसी गरीब का आशियाना सरकारी जमीन पर बना भी है तो पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं कि क्या योगी को दोबारा सीएम बनाने वाले लोगों के लिए वो कुछ करेंगे और उनके आदेशों की ऐसी अवहेलना कैसे हो जाती है। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।